हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की टेस्ट ट्रांजैक्शन स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह की टेस्ट ट्रांजैक्शन वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ इस तरह की टेस्ट ट्रांजैक्शन वीडियो डालकर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। दोस्तों, आपको इस तरह की टेस्ट ट्रांजैक्शन वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है अनलाइड मोशन। तो आपको अनलाइड मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइड मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अनलाइड मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइड मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारेसू सिस्टी की साइज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गाइस आपको ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू वॉल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको एक वॉलपेपर को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी फोटो वीडियो और साउंड यूज होंगे आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आपको यहां पर फोटो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वॉलपेपर अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। अब गाइस, आपको इसको ऊपर साइड में अच्छे से इसको सेट करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको वॉलपेपर को जूम करना है। इस तरह से वॉलपेपर को जूम करके आपको अच्छे से लगा देना है। अब गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें सेकेंड वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको भी नीचे साइड में अच्छे से लगा देना है। आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वॉलपेपर को जूम कर लेना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को जूम करना है। गाइस, आपको भी इस तरह से वॉलपेपरों को सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर कुछ इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको अच्छे सेट करके लगा देना है वॉलपेपर में। अब गाइस, यहाँ से आपको कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप जो भी कलर इसमें लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले कलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस, आपको रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको बॉक्स ब्लर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं बॉक्स ब्लर वाला इफेक्ट हमारे सामने आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरह से आपको इसको बढ़ाते जाना है। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल ब्लर हो चुका है। तो गाइस, आपको भी इसी तरह से रेक्टेंगल को सेट करना है। अब गाइस, आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। आपको ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो का आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस, आपको साउंड के लास्ट में जाना है। इस तरह से आपको जाना है। गाइस, आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर साउंड क्लियर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से गाइस, आपको सभी वॉलपेपर को साउंड क्लियर के बराबर कर लेना है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी सभी लेयर साउंड क्लियर के बराबर हो चुकी हैं। अब गाइस, आपको फर्स्ट में आना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब गाइस यहाँ से आपको लिरिक्स को लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिरिक्स को पहले से कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर गाइस आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इतना हम इसकी साइज को रख लेंगे। अब आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, रोबो टू रेगुलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। अब गाइस आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर हम साउंड को सुनकर लिरिक्स को सेट करेंगे। गाइस हमारा जो साउंड है यहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ से हम होल्ड करके टेस्ट को आगे ले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लिरिक्स को सेट कर लेंगे। तो टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, बॉर्डर एंड शैडो, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है इस तरह से। आपको अच्छे से टेस्ट को सेट कर लेना है। हम इसको सेट कर लेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी टेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर लग चुका है। अब गाइस आपको टेस्ट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिला है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस आपको पाँच नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लास्ट में जाना है, लेयर के लास्ट में जाना है, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह से आपको इसको इस तरह से गाइस आपको 100% इसको कर देना है। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऑफसेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 600 तक इसको बढ़ा देना है। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर, यहाँ से गाइस आपको इस तरह से इसको सेट करना है, इस तरह से आपको इसको सेट करना है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओवरलेप, इस पर आपको क्लिक करना है। वो भी आपको 1000% कर देना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट कुछ इस तरह सेट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट है कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब गाइस आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। गाइस आपको फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको होल्ड करके इस तरह से आगे ले जाना है, जहाँ से आपकी सेकंड लाइन आ रही है वहाँ पर आपको ले जाना है। तो गाइस यहाँ से हमारी सेकंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हम टेस्ट को ले जाएंगे। अब आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक गाइस आपको एडिट टेस्ट पर क्लिक करना है। अब गाइस आपकी जो सेकंड लाइन है यहाँ पर आपको उसको लिख देना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे सेकंड लाइन को। इस तरह से हम कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं हमारी सेकंड लाइन है कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब गाइस आपको फिर से टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको डुप्लीकेट लेयर को बना लेना है इस तरह से। अब होल्ड करके आपको लेयर को आगे ले जाना है, जहाँ से आपकी तीसरी लाइन आना चालू हो रही है यहाँ पर आपको ले जाना है इस तरह से। यहाँ पर गाइस आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिट टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपकी जो तीसरी लाइन है आपको उसको लिख देना है। यहाँ से हम तीसरी लाइन को कॉपी कर लेंगे, इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। राइट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी तीसरी लाइन भी यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो गाइस आप इसी तरह से कॉपी करके टेस्ट को आपको आगे ले जाना है और यहाँ पर जो भी आपकी लाइन है उसको लिख देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग तरह से हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब यहाँ पर गाइस आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं हमारा इफेक्ट कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर लग चुका है। अब गाइस आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक होने का इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बीवाल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको बॉर्डर लाइन के लिए क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एंड में जाना है। इस तरह से आपको एंड में जाना है। इस तरह से आपको एंड में जाना है। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन क्लियर लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए टेस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।